वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशंस पर। और आज हम सीख लेते हैं कोरल ड्रा के अंदर एक इलेक्शन का पोस्टर बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव दो राज्यों में होने वाले हैं, तो इसी के चलते आज हम बीजेपी कलर के बैकग्राउंड पे आज हम एक पोस्टर यहाँ पे डिजाइन करेंगे। और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा कोरल ड्रॉ 18 है। आप यहाँ पे कोई भी साइज आप ले सकते हैं। रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से साइज इंसर्ट करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसका कोई साइज कंफर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी साइज में हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइज आप देख रहे हैं ये मिलीमीटर्स में है, इतना 210 × 148। ठीक है, तो इसी के अंदर आज हम ये सारा डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड रेडी कर लेना है बीजेपी कलर का, अगर आप बना रहे हैं तो। इसके लिए आपको यहाँ फ्री हैंड टूल पे जाना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरह से। ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको सेंटर में आप मिला लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए और इसको भी आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इसमें कलर फिल करना है। तो आप यहाँ जाएंगे पेंट बकेट, सॉरी स्मार्ट फिल टूल पे जाएंगे और यहाँ से एक कलर इसका फिल कर देंगे। उसके बाद बारी बारी से कलर अलग अलग चेंज कर लेंगे। तो इसका मैं ये वाला कलर कर देता हूँ और इसका मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बन जाता है कलर। तो यहाँ पे तैयार हो गया बैकग्राउंड और इसके बाद में ये हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है मैं नन कर दूंगा यहाँ से। ओके, ठीक है। और अब देखिए ये जो PNG फाइल्स रखी हैं, तो इसको मैं अनग्रुप करूँगा सारे को और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करूँगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, और इसी का एक प्लस की सहायता से डुप्लीकेट करना है और इसको मिरर कर लेना है इधर। उसके बाद शिफ्ट की सहायता से यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद में ये वाला जो कमल है इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और शिफ्ट की सहायता से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देंगे। फ़ोटो को थोड़ा सा और ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पे जगह बच रही है तो ये भी फिल हो जाएगी इस तरह से। ओके, और अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों सेट हो गया। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है सबका साथ सबका विकास, शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और अब जो बचता है हमारा विधानसभा क्षेत्र, जो भी विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं या किसी कैंडिडेट का आप पोस्ट बना रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र से, उसका नाम यहाँ पे डालिए। तो राइट क्लिक करके मैंने इसकी भी कॉपी यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद में ये वाला टेक्स्ट हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे। ओके, और उसके बाद में बारी बारी से मैं सारा यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। अब ये जो है इसमें ग्रेडियंट बना हुआ है, तो ग्रेडियंट के लिए आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट बनाना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बता दिया है ग्रेडियंट कैसे बनता है। तो जैसे अभी एक सिंगल कलर में कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ग्रेडियंट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाता है, तो इंटरेक्टिव फिल टूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ड्रैग करिए और एक बार इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। और अगर ये बॉक्स का भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करिए और यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए। लेकिन मैं इसका कलर कुछ और करना चाहता हूँ, तो यही वाला कलर हम रेड कर देंगे। और अगर बीच में आप ऐड करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके कलर को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैं दो ही कलर यहाँ पे रहने देता हूँ। और उसके बाद मैं नीचे एक रेक्टेंगल से एक पट्टी सी ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस तरह से। और इसका कोई कलर मैं दे देता हूँ जैसे कि येलो। ठीक है, और ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अभी सेंटर अलाइनमेंट नहीं है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। उसके बाद में
शिफ्ट की सहायता से ये पट्टी को भी सिलेक्ट करूँगा, सी कर दूँगा और ई प्रेस कर दूँगा तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देते हैं, ओके। तो ये क्लियर हो गया और यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब फोटो लगाना है तो फोटो मैं यहाँ पे दूसरी लगा देता हूँ, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस आई करेंगे और यहाँ से एक फ़ोटो इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फोटो जो है ये वाली फ़ोटो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। हालांकि कैंडिडेट ये दूसरा है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया हूँ। तो इन सारे को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और शिफ्ट प्लस पेजअप कर दूँगा, क्योंकि फ़ोटो ऊपर आ रही थी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा चेहरा को, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर पावर क्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका दूसरा जुगाड़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे शेप टूल पे जाऊँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर दूँगा इस तरह से, ओके। इसके अंदर ये हो गया और अब ये छिप रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। और आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से येलो, और इसका जो स्ट्रोक है यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। मैंने ब्लैक किया लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए कीबोर्ड में F12 प्रेस करना है और यहाँ से इसको थोड़ा साइज को बढ़ा देना है, बिहाइंड फिल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि ब्लैक आउटलाइन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आप इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अगर करना चाहें तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसका भी कलर आप चेंज कर दें ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सारा सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल ई करूँगा और यहाँ जा करके मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कलर मोड में रखूँगा RGB, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो मैंने RGB रखा हुआ है, प्रिंट के लिए मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से ओके कर देंगे और अब डेस्कटॉप पे देखते हैं कि पोस्टर हमारा जो बना हुआ है अभी, तो विधानसभा पोस्टर 2022 यहाँ पे तैयार है इस तरह से। तो इसी तरह से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये पोस्टर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा आप, और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।